ये सारे पिलो कवर उतार रही हूँ। ये सारे गंदे हो चुके हैं और ना भी गंदे हो त्यौहार पे धोते ही हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने दीपावली के एक दिन पहले कैसे अपने घर के कपड़े धोए, मैं कैसे धोती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, सारे चादर वगैरह मैं सब चेंज कर रही हूँ रूम के। मैं दो ही रूम के आज कर रही हूँ, दो के कल करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा काम करने को भी मना कर रखा है डॉक्टर ने, तो थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। बाकी हमारे यहाँ सारे लोग घर में मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं और आप लोगों के यहाँ सब लोग हेल्प करते हैं, नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए, मैंने सारे कवर उतार लिए हैं, बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि जब भी कुछ त्यौहार वगैरह आए तो थोड़ा सा लुक चेंज करो तो मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा बदलाव। मैं कैसे बिछाती हूँ बेडशीट, आप ये देख सकते हैं। आप कैसे बिछाते हैं वो भी बताइएगा, और कैसा सही से बिछा रही हूँ या नहीं ये भी कमेंट में बताइए। ये देखिए मेरा तरीका बिछाने का, मैं पहले उधर से दबा देती हूँ और फिर एक साइड से खींच के साइड से, ये देखिए एक बार में ही चादर फिटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ जाती है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, दो मिनट में ही बिछ जाती है। बाहर कमरे में आ गए हैं तो इसके भी कवर अवर उतारी, सोफा के कवर वगैरह हैं जो उनको भी चेंज करना है, उसके कवर भी मैं धोने जा रही हूँ। और इसका भी चादर, इसको भी चेंज करती हूँ। कुछ भी ना करो पर ये काम भी बहुत हो जाता है, और डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं रेस्ट करो, लेकिन आज भी रेस्ट कुछ नहीं करेगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, मैं कपड़े तो मशीन से धो रही हूँ पर मशीन से धोने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए टेबल की सफाई, ये सैनिटाइजर है ना तो इस पर रखा ही रहता है, कुछ भी हो तो उससे पहले हैंड साफ करने होते हैं, इसलिए इसी पर रखा ही रहने देती हूँ, हटाती ही नहीं हूँ। एक सैनिटाइजर गाड़ी में रखा रहता है, इस तरह से हर जगह जगह रखा ही रहता है, क्योंकि ये सैनिटाइजर मास्क ये सब हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं। देखिए सोफ़ा सारा सफाई करना पड़ता है, और इस बेड का भी मैंने ज़्यादा चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये सोफे के कवर भी अभी इससे पहले ब्लैक बिछ रहे थे, ब्लैक हटा दिए हैं, बदल दिए हैं, थोड़ा सा लुक है चेंज हो रहा है। और कैसा लग रहा है ये लुक भी आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। और हमारे चैनल ब्रज गीत आगरा पर एक डिब्बे चल रहा है, तो आप लोग उस डिब्बे का जरूर हिस्सा बनिए, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जल्दी से उसका टारगेट पूरा हो। और मैं विनर अनाउंसमेंट करूं, हो सकता आप भी विनर हो उसके। अब ये देखिए, एक बार धुल चुके हैं कपड़े, ये हमारी मशीन ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो मैं अब इसको अभी दोबारा और भी धोने, तो इसलिए इस तरह से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मशीन में भी, नाम की मशीन है पर इसमें भी लगना पड़ता है, बस ऑटोमेटिक मशीन अब सोच रही हूँ, देखती हूँ, नहीं तो किसी को भी ले लूँगी। अभी जब तक ये चल रही है तो नहीं, मैंने दोबारा दूसरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अब आप लोग कैसे धोते हैं मुझे नहीं पता, पर देखिए मैं कैसे धोती हूँ इस तरह से, और मैं क्या, मुझे तो लगता है हर इंडियन हाउस वाइफ ऐसे ही धोती है,
जमाने से हम लोग ऐसे ही होते आ रहे हैं। अब इससे धोएंगे, उसमें निकालेंगे, ये तो हमारा शुरू का ही काम है, क्योंकि उसमें सब मशीन में पड़ा तो कपड़े भी दोबारा धुलने से डाल दिए, जब तक वो धुल रहे हैं तब तक हम निकाल रहे हैं पानी से। और ये डबल बेड का चादर, ये हमारा बेटा है, ये अभी अभी वॉशरूम होके आया है, लेट उठने वाले हैं भाई। देखो बाकी कपड़े पसीने धुल रहे हैं, जब तक ये धुल रहे हैं जब तक भाई ये कपड़े अभी इसमें। ये बाथरूम है हमारा, बाथरूम है इसमें, ये वेस्टर्न लैट्रिन है, दूसरे बाथरूम में इंडियन लैट्रिन है। कपड़े इस तरह से धोने के बाद तो मशीन में डालेंगे, फिर सूखेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप लोग कैसे करते हैं बताइए, हमारे यहाँ तो हमें तो ऐसे ही करना पड़ता है भाई। और ये मशीन काफी बड़ी है पर कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, जितना बड़ा घर उतना ही काम। कपड़े एकदम ऐसे ही छोड़ दो तो उनमें सिमट जाते हैं, तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से मुझे करना पड़ता है, है ना। अब ये सारे कपड़े जब सूख जाएंगे, अभी सुखाना भी पड़ेगा, सूख अपने आप नहीं जाएंगे, मुझे ही सुखाना पड़ेगा, कोई सुखाने वाला नहीं है। ये देखिए सोफा के कवर वगैरह ये भी चुके हैं और इनको भी मैंने सुखा लिया है। ये देखिए कितना ढेर लग गया है इतना कपड़ों का। और अब मैं ये मशीन सूखे कपड़े से क्लीन करके रखती हूँ, मैं हमेशा मशीन क्लीन करके ही रखती हूँ। ये वाश मशीन है, इसको भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो उसको भी साफ कर देती हूँ फटाफट। ये हमारा छोटा सा आंगन है, सारे रोज के काम हैं। मैंने आंगन भी क्लीन कर दिया है, पानी डाल सुखा दिया है, कपड़े पहने धो चुके हैं। और अब मैं नहाने के बाद पूजा करके उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी, वो भी मैं आज दिखा ही देती हूँ मैं कैसे सुखाती हूँ कपड़े। ये देखिए कितनी सफाई कर दी, इतना साफ था, उसके बाद भी थोड़ी सी गंदगी आ ही जाती है, ये देखिए, है ना। तो ये जाली इसीलिए लगी होती है कि जरा सा तिनका भी होगा तो उसमें जाएगा नहीं। फिर ये मशीन हमारी क्लीन हो गई है, ये आप हमारा आंगन है छोटा सा आप देख पा रहे हैं। नहाकर आ गए हैं और मैं कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े सुखाने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ बाहर ही मैंने रस्सी बांध रखी है, बाहर ही काफी जगह है सुखाने की काफी, तो इसके बाद सारे कपड़े सूख जाते हैं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये देख सकते हैं तो पक्का वाली मैंने फैला दी है, बाकी के कपड़े सुखा रही हूँ सभी के करके। कपड़ों को अगर इस तरह से फटकारे नहीं तो सारे कपड़े गुजले ही रह जाते हैं और उसमें सिलवट पड़ जाती है, तो फिर या तो प्रेस करो, तो इसलिए ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए सारे कपड़े फैल चुके हैं, और कपड़े तो सारे नहीं फैले पर सारी जगह गिर चुकी है। कपड़े तो आप देख पा रहे होंगे चेयर पर कितने सारे रखे हैं,
अब इनकी भी जगह बना रही हूँ फैलाने तो हम और आज मैंने आपको बताया कि दिया मैं कैसे कपड़े धोती हूँ। आप देखिए जिधर भी नजर जा रही कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं चारों तरफ। देखिए लग रहा कपड़ों का बाजार सा लग गया है। चादर है तो इधर से नहीं आ रहा तो उसको मैं धीरे से जा करके धोती पे डालूंगी साइड से। चादर है तो हमारे सारे कपड़े सूख चुके हैं और आगे की सफाई भी देखते हैं थोड़ी बहुत और कर लेते हैं। कपड़े तो सूख गए कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे आपको। ये देखिए सब तरफ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं जैसे कपड़ों का मैंने बाजार ही लगा दिया है। ये गाड़ी न्यू गाड़ी अंदर खड़ी है और जो दूसरी गाड़ी थी वो ऑल्टो बाहर खड़ी है। ये हमारा बेटा शीशे साफ कर रहा है घर के। बहुत ज्यादा शीशे हैं घर में भाई। अब लगता है कि कब लगवाने चाहिए। अब जितने ज्यादा है उतना ही काम। और ये घोड़ी है इसको क्या बोलते हैं सीढ़ी घोड़ी इसको भी मैंने अभी लिया है। ये बहुत काम की है। इस पर खड़े होकर बड़े अच्छे से काम हो जाता है। आप देख सकते हैं अच्छे से सफाई हो पा रही है। इसको जहाँ चाहे रख सकते हैं आराम से। और अकेला बंदा इससे पंखे भी साफ हो जाते हैं सारा काम आसानी से हो जाता है इसकी मदद से। ये देखिए अब इधर के शीशे बहुत सारे घर में शीशे ही शीशे लगे हैं। अब लगे हैं तो सफाई भी करनी पड़ती है भाई। हमारे यहाँ तो सब ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं। आपके यहाँ आपके बच्चे हेल्प करते हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। हमारे यहाँ तो सभी बच्चे हेल्प करते हैं। ये किचन की जाली में थोड़ा सा जाला वाला आ गया था। ज़्यादा तो सफाई नहीं की है मैंने क्योंकि मैंने बोला ना कि रेस्ट को बताया करने को बताया है इसलिए। और बाहर वही बेटा साफ कर रहा तो अंदर से मैंने कहा चलो मैं झाड़ देती हूँ। अंदर थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। ये प्यूरीफायर लगा हुआ है बर्तनों का आप देख सकते हैं क्योंकि पानी के लिए ये बहुत ज़रूरी। आगरा का तो पानी बहुत ख़राब है वैसे तो पी नहीं सकते तो इसको भी लगवाना ही पड़ा था। ये हो गई है देखिए सफाई खिड़की की मतलब कितना कुछ है ना। साफ करते रहो फिर भी धूल आ ही जाती है घर में। बहुत धूल आ जाती है। अब आप ये किचन हमारी देख सकते हैं किचन भी कैसी लग रही है। बस हमारी साधारण किचन है। और ये देखिए पाइप जा रहा है इधर की धुलाई हो चुकी है नीचे की। और मैंने पहले भी बताया था मैं घर का रेनोवेट करवाना है अभी वो कोरोना के चक्कर में नहीं करवा पाए थे। गाड़ी को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। हमारी कॉलोनी में तो गाड़ियाँ नजर आती है। कलर होने के बाद कितना खूबसूरत लगने लगा। ये देखिए पानी आ रहा है। ये छत की धुलाई हो रही है जीने की धुलाई हो रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लीनिंग वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद।